everyone, welcome back to my channel. In the previous lecture, we have covered the classification of a 20-year-old development plan. In today's lecture, we are going to see the engineering survey for the highway location. Okay, so किसी भी highway को construct करने से पहले हम जो survey करते हैं उसे हम बोलते हैं engineering survey for the highway location. तो इंजीनियरिंग सर्वे करने के लिए हमें पार्ट्स होते हैं जो हम वन बाय वन देखेंगे. सो उसका पहला पार्ट है दैट इज़ मैप स्टडी. तो मैप स्टडी से हम क्या फाइंड करते हैं? मैप स्टडी फॉर एग्जांपल, हम जिस एरिया में हम हाईवे कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं उस एरिया का हम मैप निकालते हैं और उस मैप से हम बहुत सारे अल्टरनेट रूट्स फाइंड करते हैं. जैसे कि किसी मैप है, ये किसी एरिया का मैप है. फॉर एग्जांपल, एरिया के मैप में हमें लोकेशन ऑफ माउंटेन, लोकेशन ऑफ वैलीज, लोकेशन ऑफ पॉन्ड्स दिया रहता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम अपना जो रूट्स होते हैं वेरियस पॉसिबल अल्टरनेट रूट्स बनाते हैं. फॉर एग्जांपल, हमें हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है किसी ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक. ऐसी जगह से अपने अलाइनमेंट को पास करेंगे जो कि इन ऑब्स्ट्रक्शन पॉइंट को अवॉइड करे. फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ से अपना एक अलाइनमेंट डिसाइड कर सकते हैं, एक अलाइनमेंट अपना यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं और एक रूट हम अपना यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं. ओके, सो ये हमें हेल्प करता है हमारे अल्टरनेट पॉसिबल रूट्स को फाइंड करने के लिए. सो इसलिए हम मैप स्टडी करते हैं. ओके, नेक्स्ट इंजीनियरिंग सर्वे का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज़ अ रिकनाइसेंस. हम रिकनाइसेंस में क्या करते हैं, हमने फॉर एग्जांपल हमने जो मैप स्टडी में बहुत सारे अल्टरनेट रूट्स फाइंड किए थे, हम उन रूट्स की फिजिबिलिटी देखते हैं. ओके, हम फील्ड में जाकर वो पॉसिबल अल्टरनेट रूट्स को चेक करते हैं कि ये फिजिबल हैं या नहीं हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ अ फील्ड सर्वे अलॉन्ग विद द अल्टरनेट रूट. तो अलग अलग जो रूट्स हैं उन सब रूट्स पर हम फील्ड सर्वे करते हैं और देखते हैं कि फिजिबिलिटी उनकी चेक करते हैं कि उस पर हाईवे लोकेशन हो सकता है या नहीं. नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो बहुत सारे चीज़ें जो हैं जो मैप में छूट जाती हैं, फॉर एग्जांपल दी वैले, पॉन्ड, लेक, कोई मार्ची लैंड हो गया या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया जो मैप में प्रेजेंट नहीं होता, हम उसे फिजिकली जाके वहाँ पर चेक करते हैं और अपने जो रूट है उस हिसाब से फिर डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट क्या होता है रिकनाइसेंस में, हम वहाँ पर ग्रेडियंट की वैल्यू चेक करते हैं और लेंथ कितना है ग्रेडियंट का वो भी हम वहाँ पर चेक करते हैं. ओके, सो रिकनाइसेंस में और हम क्या करते हैं, हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क करते हैं. वहाँ पे सोर्स ऑफ मटेरियल क्या है, सोर्स ऑफ मटेरियल है या नहीं है वो भी हम रिकनाइसेंस में चेक करते हैं. और हम वहाँ पे क्या करते हैं, सोर्स ऑफ लेबर भी चेक करते हैं. वहाँ की सॉइल किस टाइप की है ये भी हम रिकनाइसेंस में देखेंगे और द ग्राउंड वाटर लेवल ऑफ दिस सॉइल, वहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल कितना है सॉइल का वो भी हम रिकनाइसेंस सर्वे में चेक करते हैं. ओके, सो थर्ड पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग सर्वे इज़ प्रिलिमिनरी सर्वे. इसमें हम क्या करते हैं, हम जो हमने बहुत सारी जो अल्टरनेट रूट्स थी उसमें से हमने क्या किया, रिकनाइसेंस किया और उनमें से कुछ फीजिबल रूट्स तय की. फॉर एग्जांपल कि अगर हमने पहले तीन रूट्स देखी थी मैप से, इस टाइप से तीन रूट, लेट अस सपोज हमने एक पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए हमने तीन रूट डिसाइड की थी. ओके, सो हमने रिकनाइसेंस पहले मैप स्टडी से ये तीन रूट डिसाइड की, उसके बाद हमने क्या किया, रिकनाइसेंस किया. फॉर एग्जांपल रिकनाइसेंस में ये रूट पॉसिबल नहीं है. ओके, सो हमारे पास क्या है, दो ये रूट हैं जिसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिस पे हाईवे. सो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिलिमिनरी सर्वे में इसका कंपैरिजन करेंगे दोनों पॉसिबल रूट का, जो पॉसिबल रूट है हम उनका कंपैरिजन करेंगे और उनमें क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क निकालेंगे. क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क एक हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि एग्जाम्पल ये आपका ग्राउंड लेवल है और हमें हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है. ओके, और हमने अगर हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए हमने अपना अलाइनमेंट ऐसे डिसाइड किया है इस लेवल पे. ओके, सो हमें ऐसा अलाइनमेंट सेलेक्ट करना है जिसमें क्वांटिटी ऑफ कटिंग एंड क्वांटिटी ऑफ फिलिंग ऑलमोस्ट इक्वल हो. ओके, सो हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज हो सके. सो ये होता है क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क. नेक्स्ट क्या करते हैं, हम इसमें कॉस्ट फाइंड करते हैं. जो भी हमारी पॉसिबल रूट्स हैं हम उनके कॉस्ट इसमें प्रपोज रूट के कॉस्ट निकालते हैं. ओके, ये होता है हमारा प्रिलिमिनरी सर्वे. नेक्स्ट जो फाइनल पार्ट होता है हम उसे क्या बोलते हैं, डिटेल सर्वे. डिटेल सर्वे में हम क्या करते हैं, हमने जो दो सेलेक्ट रूट की थी उनका कॉस्ट निकाला हमने, उनका पॉसिबल कंपैरिजन किया, उनका क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क निकाला, फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो हमें बी और सी में से जो भी ठीक लगा हमने उसे फाइनलाइज किया बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट और दी प्रिलिमिनरी सर्वे के रिजल्ट के हिसाब से हमने उसे फाइनलाइज किया. फॉर एग्जाम्पल हमने बी और सी रूट में से ए रूट तो हमने पहले ही कैंसिल कर दी, फॉर एग्जांपल अगर रिकनाइसेंस से, तो बी और सी पॉसिबल रूट को हमने कंपेयर किया और बी और सी पॉसिबल रूट में से हमें बेस्ट रूट अगर
बी लगा एज पर आवर रिक्वायरमेंट, तो हम फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस्टेब्लिशिंग द सेंटर लाइन, हम अपना सेंटर लाइन इस्टेब्लिश करेंगे और हम क्या करेंगे, डिज़ाइन एंड एस्टिमेशन ऑफ द प्रोजेक्ट करेंगे। सो ये पूरा था हमारा इंजीनियरिंग सर्वे फॉर दी हाईवे लोकेशन। हम किसी भी हाईवे को कंस्ट्रक्ट करने से पहले ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वी विल मूव टू आवर सेकेंड मॉड्यूल, मॉड्यूल नंबर 2, दैट इज़ अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ अ हाईवे। सो दिस इज़ द मॉड्यूल नंबर 2, द ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ अ हाईवे। इन दिस वी विल सी द, फर्स्ट वी विल सी द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। The various elements are the pavement characteristics, second one is the camber, third is the shoulder, fourth is the curb, fifth is the width of carriageway, sixth is the width of formation. Okay, so in the second part we will see the site distance. The site distances are the stopping site distance, second is intermediate site distance, third one is the overtaking site distance. Okay, so next we will see the third part of the module 2. The third part is the horizontal alignment. In the horizontal alignment we will see the parts. The first part is the horizontal curve, the second part is super elevation, that is the extra widening. One is the transition curve, fifth one is the setback distance, sixth one is curve resistance. Next we will see the fourth one, that is the vertical alignment. It has the three parts. First one we will see is gradient, second is summit curve, third one is the valley or a sag curve. Okay, so these are the topics under the module 2. We will see all of them one by one. So this is for the today's lecture. In the next lecture we will see the various elements of a geometric design. Thank you.